डेविन एआई गाइस, अभी के टाइम में आप लोग इस डेविन के बारे में कहीं ना कहीं लिंक्डइन पे, एक्स प्लेटफॉर्म पे या किसी न्यूज़ आर्टिकल में एक पोस्ट जरूर से देख चुके होंगे, क्योंकि अभी के टाइम में ये जो डेविन है काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। तो आज के इस वीडियो में बिल्कुल शॉर्ट में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि आखिरकार ये डेविन है क्या और किस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं और इसका इम्पैक्ट क्या रहने वाला है, थोड़ा इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं डेविन के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल गैजेट्स डिस्कवरी। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये डेविन एआई आखिरकार क्या है। तो कॉग्निशन लैब जो है उसकी तरफ से डेविन एआई को लॉन्च किया जाने वाला है और उन्होंने इसे एक एआई टूल ना कहकर इसको नाम दिया है डेविन एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अगर आप लोगों ने देखा होगा जैसे चैट जीपीटी है, गूगल का जेमिनी है, माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट है, वहाँ पे हमें एक चैट बॉक्स मिल जाता है। जैसे हमें कोई भी कमांड वहाँ पे देनी है, जैसे मान लीजिए हमें एक फोटो ही जनरेट करवानी है, तो हम वहाँ पे उस चैट बॉक्स में एक कमांड डालते हैं कि हमें जिस भी तरीके की फोटो चाहिए वो सब डिटेल्स हम वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, उसके बाद वो एआई टूल हमें फोटोज जनरेट करके दे देते हैं। तो सेम इसी तरीके से इस डेविन एआई में भी आपको एक चैट बॉक्स देखने को मिलेगा, साथ में दो तीन टूल्स और इसी के अंदर आपको मिलेंगे। अब इस चैट बॉक्स में क्या है, आप अपनी कमांड डाल सकते हो कि किस तरीके का एक एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर आपको यहाँ से ये तैयार करके दे। तो जैसे ही उस चैट बॉक्स में आप अपनी कमांड डालोगे, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, ये डेविन एआई खुद से एक कमांड रन करेगा और जिस भी टाइप की इन्फॉर्मेशन आपने इसको प्रोवाइड की थी उसी टाइप का टूल या फिर एप्लीकेशन ये आपको तैयार करके दे देगा। तो जैसे ही आप इसके चैट बॉक्स में कोई भी कमांड डालते हो कोई भी टूल या एप्लीकेशन बनवाने के लिए, तो तुरंत जो है कोड रन होने लग जाता है और उसकी वर्किंग भी शो होती है कि वो कोड कैसे काम कर रहा है, और अगर उस कोड में कोई बग भी होता है तो वो भी खुद से ये फिक्स करके आपको देता है। इसके अलावा आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि फर्स्ट में कैसे उस कोड को इसने जनरेट किया, उसके बाद क्या उसमें बग थे, कैसे उस डिबग को ठीक किया गया, और उसके बाद एट द एंड आपको कंप्लीट एक आपकी एप्लीकेशन है या जो भी टूल आपने दिया है वो तैयार होके आपको मिल जाता है। तो बेसिकली आप इसे एक ऐप या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपिंग एआई टूल कह सकते हो। बस यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि इस डेविन को एक एआई टूल का नाम ना देकर इसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम दिया है इसके डेवलपर्स ने। गाइस वैसे मैं भी कोडिंग वगैरह के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखता, लेकिन जितना अभी के टाइम में ये एआई का सारा सिस्टम चल रहा है, काफ़ी टाइम से मैं फॉलो अप करता हूँ, ऑनलाइन आर्टिकल पढ़ता हूँ, न्यूज़ पढ़ता हूँ, तो इन सबको देखकर पढ़कर और अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको ज़रूर से बता सकता हूँ कि ये भी एक तरीके का कम्प्लीट एआई टूल रहने वाला है। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके इम्पैक्ट की। तो अभी के टाइम में आपने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ भी देखे होंगे, आर्टिकल भी देखे होंगे, पोस्ट भी देखे होंगे जहाँ पे शो किया गया है कि ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बहुत से लोगों की जॉब जो है खाने वाला है। लेकिन गाइस एक्चुअली में ऐसा नहीं है। वो जब जो यूट्यूब वीडियोज़ हैं उनके थंबनेल आप देखते हो या फिर जो भी आर्टिकल देखते हो, वो सब व्यूज़ और आप लोगों की अटेंशन ग्रैब करने के लिए ये सब जो है टैक्टिक्स अपनाते हैं। बट अभी के टाइम में आप लोग देखिए जैसे बहुत सारे एआई टूल मार्केट में अवेलेबल है, जहाँ पे वीडियो एडिटिंग का भी है और अब तो सोरा भी जो है मार्केट में आने वाला है, जिससे आप किसी भी तरीके का सिनेरियो क्रिएट करके एक एआई जनरेटेड वीडियो बना सकते हो। इसके अलावा फोटोज भी आप, टेक्स्ट टू फोटोज भी आप यहाँ पे डेवलप कर सकते हो। तो अभी के लिए आप लेके चलिए जैसे कोई भी एक वीडियो एडिटिंग एआई टूल है, उसमें आपने अपनी वीडियो डाली, तो बस उसमें वो वीडियो एडिटिंग टूल क्या कर सकता है, जो भी आपके गैप्स रहने वाले हैं, जो भी आपने गलत बोला हुआ है, डबल लाइन रिपीट की है, उन सबको काट पीट के आपको एक वीडियो बना के दे देता है। लेकिन एक्चुअली में आपको उस वीडियो में कहां पे क्या मीम डालना है, कौन सा साउंड डालना है, वो सब सिनेरियोस तो आप अपनी थिंकिंग से ही क्रिएट कर सकते हो। और गाइस अभी जो एक मेन हाईलाइट है इस एआई टूल आने के बाद वो है जॉब के बारे में, कि बहुत से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब इसके बाद चली जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि अभी के टाइम में आप जैसे देखिए गूगल का जेमिनी है या फिर माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट है, वहां पे हम टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डाल के इमेज जनरेट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी दिक्कत क्या है कि बहुत से लोगों को, मैक्सिमम मैंने देखा है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, कि प्रॉम्प्ट्स ही नहीं डालने आते और वो इमेज जनरेट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे जो एक फोटो एडिटर है वही जो वो सिनेरियो अपने दिमाग में सोच सकता है कि किस तरीके की उसे लाइटिंग चाहिए एक फोटो में, क्या बैकग्राउंड चाहिए, किस तरीके का सीन उसे चाहिए, और वही जो है टेक्स्ट प्रॉम्प्ट तैयार करके वहाँ पे डालेगा, उसके बाद वो इमेज वो उसको मिल जाएगी। तो यहाँ पे जितने भी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या फिर वीडियो एडिटर, फोटो एडिटर है, उन्हें डरने की तो कोई खास जरूरत है नहीं, बस अपना स्किल को थोड़ा अपग्रेड करना है उन्हें। उन्हें ये भी सीखना होगा कि वो एआई के साथ मिलके कैसे अपना काम आसान कर सकते हैं। इससे किसी की जॉब को ज़्यादा खतरा नहीं होगा। हाँ, अगर जो लोग अपग्रेड नहीं करेंगे अपनी स्किल्स को इस एआई के साथ,
तो उनको जो है रिप्लेस किया जा सकता है। अब जैसे गाइज वीडियो मॉडल सोरा हो गया, वहां पे भी हमें टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डाल के वीडियो जनरेट करनी होती है, लेकिन हर एक आदमी टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डाल के वीडियो जनरेट नहीं कर सकता एग्जैक्ट जो किसी को भी चाहिए होती है। उसके लिए भी हमें एग्जैक्ट जो है टेक्स्ट प्रॉम्प्ट चाहिए होते हैं, सिनेरियो सोचना होता है, लाइटिंग मूड वगैरह सब चीज़ें वहाँ पे डिसाइड करनी होती है, तब जाके एक एग्जैक्ट वीडियो निकलती है। और ये सब चीज़ें जो वीडियो एडिटर है, फोटो एडिटर है, वही सोच सकते हैं। तो बस यहाँ पे अपनी स्किल को अपग्रेड करने की जरूरत है, इस AI के साथ डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और गाइस अब फाइनली बात आती है कि इस डेविन AI को आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हो। तो अभी तक जो इसके डेवलपर्स की तरफ से कोई भी ऑफिशियल एक लिंक वगैरह या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड नहीं किया गया है जो आप अपने PC में डालो और यूज़ करने लग जाओ। तो यहाँ पे इसकी जो अर्ली एक्सेस है वो आप लोगों को मिल सकती है। इसके लिए सिंपली आपको कॉग्निशन लैब की वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे डेविन वाले पोर्टल में अगर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आप अर्ली एक्सेस के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर इनका मेल एड्रेस दिया गया है जहाँ पे आप इनसे टच में रह सकते हो। तो जैसे ही आप इस लिंक पे टैप करोगे तो गूगल का एक फॉर्म आप लोगों के सामने निकल के आ जाएगा जहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है और क्यों आपको ये डेविन AI यूज़ करना है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन आप फिल करना चाहो तो फिल कर सकते हो और सिंपली उसके बाद आपको डन कर देना है। तो यहाँ पे आप सक्सेसफुली जो है आप लोगों ने अर्ली एक्सेस के लिए अप्लाई कर दिया है। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है या फिर कोई भी डाउनलोड लिंक अगर आपको मिलता है तो आपको मेल पे सारी इन्फॉर्मेशन इसकी प्रोवाइड हो जाएगी। ऑफिशियली अभी तक कोई भी लिंक वगैरह या सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी नहीं आया है। अगर आप लोग ऐसी कोई भी चीज़ ढूंढ रहे हो तो बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए, वो जब भी आएगा तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को जरूर से मिल जाएगी। सो गाइस इस वीडियो में मैंने अपनी तरफ से थोड़ा कोशिश की डेविन AI के बारे में बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है, डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो या फिर सजेशन है वीडियो को लेकर। हाँ, अगर आप कोडिंग वगैरह से रिलेटेड कोई कमेंट करोगे तो उसके बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं दे पाऊंगा। बाकी वीडियो अगर आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा, हेल्पफुल रहा है तो एक लाइक बनता है। बाकी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए, टेक रिव्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नए फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।